हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि लिस्ट बॉक्स का यूज हम एमएस एक्सेस में कैसे कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, स्टूडेंट की डिटेल को ही बेस बना के चलेंगे हम। यहां पे मैं स्टूडेंट डिटेल कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आईडी है, मैं लिख देता हूं स्टूडेंट आईडी, ओके। और इसको ऑटो नंबर रहने देते हैं। यहां पे स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट नेम कर देते हैं और इसको टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे। और स्टूडेंट का एड्रेस, तो एड्रेस भी टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। और सिटी, स्टेट, इन सब का डिटेल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो सिटी, देन स्टेट, ओके, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो यहां पे फादर्स नेम टेक्स्ट डेटा टाइप होगा और एट लास्ट हम मदर्स नेम भी दे देते हैं, मदर्स नेम, ओके। तो इतना देने के बाद यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और यहां व्यू पे क्लिक करेंगे। और व्यू पे क्लिक करने के बाद ये सेव करने के लिए बोलेगा, इसको सेव, ये देखिए आ गया, इसको सेव कर लिया हमने। तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ओके। अब हम चलेंगे क्रिएट पर, ठीक है। और क्रिएट में चल करके हम कहां जाएंगे, फॉर्म में चलेंगे। फॉर्म में करता हूं ताकि आपको दोनों में दिखाई देगा, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल, ये नाम हम चेंज कर लेते हैं, कोई और नाम रखेंगे। यहां से इसको डिजाइन व्यू में आ जाते हैं सबसे पहले, यहां से इसको पकड़ेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, स्टूडेंट डिटेल या स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये कर दिया हमने। अब हम इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे और इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेंगे, ओके। अब यहां पर हमें वो लिस्ट बॉक्स बनाना है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहां पे ये देखिए, ये कॉम्बो बॉक्स है और यहां पर ये लिस्ट बॉक्स है, ठीक है। तो इस बार हम लिस्ट बॉक्स बनाएंगे, तो लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहां पे इसको ड्रैग करवा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब ड्रैग करवाएंगे तो यहां पे ये इस तरह से करके आएगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कौन से के बेस पे हमें लेना है, जैसे स्टूडेंट आईडी हमने ले लिया, ठीक है। तो यहां स्टूडेंट आईडी पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसी के बेस पे हम तलाश करेंगे सबकी, ठीक है। ओके प्रेस किया हमने, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको फिनिश करवा दिया। तो ये इस तरह से हमें मिल चुका है। अब हम इसी के बेस पे जो भी होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उसको हम सर्च कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कैसे सर्च करेंगे अभी हम देखेंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं फॉर्म व्यू पे। तो ये फॉर्म व्यू पे आ चुके हैं हम। यहां पर चूंकि मैंने स्प्लिट लिया हुआ है, मतलब दोनों डेटा शीट व्यू और फॉर्म व्यू दोनों इस पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, इसको स्प्लिट फॉर्म व्यू कहते हैं, दोनों इसमें शो होगा, ठीक है। तो मैं यहां स्टूडेंट का नेम एंटर करता हूं, क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी ऑटो नंबर चूज किया था डेटा टाइप, तो ये नंबर खुद से देता जाएगा। जैसे राम कर दिया हमने, एड्रेस जैसे कुछ भी डाल देंगे हम, ये दे दिया हमने, ठीक है। और सिटी दे दिया, जैसे सिटी दे दिया हमने, ठीक है। स्टेट दे दिया, ओके। फादर्स नेम, ये दे दिया हमने फादर्स नेम। और यहां मदर्स नेम कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो यहां मैंने कर दिया मदर्स नेम, तो ये हो गया मदर्स नेम। अब सेकंड में आएंगे, ठीक है। और मदर्स नेम यहां पे सीता देवी कर देते हैं। फिर यहां थर्ड वाले रिकॉर्ड पे आ जाएंगे और यहां पे मदर्स नेम ये डाल दिया हमने। तो ये तीन रिकॉर्ड्स हमने एंटर कराए हैं। इसको हम पहले सेव कर लेते हैं यहां से, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड सेव रहे। अब इसको हमने करा तो लिया है, तो अब हम इसको कैसे सर्च करेंगे ये हमको समझना है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई भी लिस्ट है, देखिए यहां पे पहले मैं इससे बाहर आ जाता हूं, इसको कट करता हूं, इससे बाहर आ जाता हूं, इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं एक बार।
या लिखता हूं ms करता हूं तो ये खुल जाएगा। यही वाला डेटाबेस था हमारा डेटाबेस 19। हम फॉर्म व्यू पे थे तो यहां पे देख सकते हैं आप, यहां पे लिस्ट खुली हुई है। यहां पे हम देख सकते हैं ये देखिए 1 2 3। अब अगर हम 4 नंबर का लिस्ट एंटर करते हैं, यहां पे 4 नंबर में कुछ एंटर कर देते हैं स्टूडेंट का डिटेल। जैसे मैं यहां एंटर करता हूं युवराज सत्यवती कर दिया हमने, मदर्स नेम कुछ दे दिया, ठीक है तो ये दे दिया हमने। तो अभी इसको वापस से अगर हम डिजाइन व्यू, ये हमारा डिजाइन व्यू है, हमको फॉर्म व्यू में ही रहना है। तो अभी देखिए ये तीन चारों रिकॉर्ड हमारे अपडेट हो चुके हैं। आप देखिए अगर आपको रिकॉर्ड नंबर 1 देखना है तो 1, 2 देखना है 2, 3 देखना है 3, यहां से आप आसानी के साथ इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम अगर स्प्लिट, अभी तो मैंने स्प्लिट